In essence, everything is energy and cannot be destroyed. Energy and persistence conquer all things. When there is no enemy inside, the enemy outside cannot hurt you. अक्सर हनुमान जी चित्रपट या मूर्ति में अपने गदा युद्ध के साथ दर्शन देते हैं। कुछ कथाओं के अनुसार कहते हैं कि कुबेर द्वारा हनुमान जी को एक संदर्भ में गदा युद्ध भेंट में दिया गया था, जो हनुमान जी के दाहिने हाथ में धारण किया जाता है। गदा स्व संप्रभुता, शासन के अधिकार और शासन करने की शक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी ने अपनी शक्तिशाली गदा का उपयोग कर काशी के राजा सुरथ को श्रीराम के बाणों से बचाया था। दरअसल वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी के पास कोई भी आयुध का जिक्र नहीं है, वह उनके पास जो कुछ है उसका उपयोग करते थे। राम रावण युद्ध में हनुमान जी और बाकी वानर सेना ने भी दुश्मनों से लड़ने के लिए चट्टानों, पेड़ों, पर्वत चोटियों और अपनी हथेलियों का इस्तेमाल किया था। संपूर्ण रामायण में हनुमान जी द्वारा अपने आयुध के रूप में गदा का उपयोग करने का उल्लेख नहीं है। तो हर किसी के मन में ये प्रश्न उठता है कि हनुमान जी सभी मूर्तियों में गदा के साथ दर्शन कैसे देते हैं। हनुमान जी अपनी शारीरिक शक्ति के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। गदा दुर्योधन और भीम जैसे कुछ शक्तिशाली महाभारत योद्धाओं का भी प्राथमिक आयुध था। हाथ में गदा धारण करने से यह धारणा बढ़ती है कि योद्धा बहुत बलवान होगा, तो यह दर्शाने का प्रयास है कि हनुमान जी एक शक्तिशाली योद्धा थे और उनकी महिमा के लिए गदा का उपयोग किया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुवादकों ने अपने पुस्तकों में जिक्र किया है कि हनुमान जी सहित वानरों ने युद्ध लड़ने के लिए पत्थरों, पेड़ों और अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल किया। सोने की गदा केवल पात्रों के गुणगान के लिए है। वानर सैनिक पत्थरों, पेड़ों और अपने स्वयं के पंजों और नाखूनों का उपयोग करते थे। हनुमान जी वाली सुग्रीव द्वारा संभाली जाने वाली सोने की गदाएं आम तौर पर चित्रों में चित्रित की जाती है, जो पात्रों को महिमा मंडित करने के लिए अधिक पौराणिक अलंकरण के लिए ही है।